सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ने वाले अल्डिहाइड कीटोन्स में ही मेनली। सो उसमें हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ, अभी तक हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन देखा है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। इन दैट वी हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक, मोस्टली एलिफैटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटो, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोगों ने इनमें पढ़े थे बाय यूजिंग बाय प्रिपरेशन ऑफ वॉट एरोमेटिक कीटोन्स और एरोमेटिक अल्डिहाइड ऑल्सो, ठीक है। बट अभी जो प्रिपरेशन रहेगा हमारा नेक्स्ट वाला, वो मेनली प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स रहेगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, और उसमें कीटोन भी रहेगा बट एरोमेटिक अल्डिहाइड्स मेनली रहेगा उसमें। सो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग बोल सकते हैं एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड्स, उसमें फर्स्ट मेथड रहेगा फ्रॉम बाय इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, या फिर इटार्ड रिएक्शन। एक्चुअली दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यर ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीग्रीन या साइड चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज कैरिड आउट, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीग्रीन इज कैरिड आउट आइदर बाय यूजिंग व्हाट क्रोमाइल क्लोराइड और बाय यूजिंग एसिटिक क्लोराइड, ठीक है। एसिटिक क्लोराइड या एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ होता है, मोस्टली एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ। तो ये ऑक्सीडेशन में पहला मेथड रहेगा हम लोग, यदि देखा जाए तो ये हमारा ऑक्सीडेशन मेथड है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस वन, ऑक्सीडेशन ऑफ वॉट मिथाइल बेंजीन, वी कैन से बेंजीग्रीन विद CH3, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीग्रीन बाय यूजिंग व्हाट क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, दिस इज नथिंग बट व्हाट क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, एंड दिस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट CH2, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में होता है। ये भी एकदम लो टेम्परेचर पे होता है, 273 कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए जो भी चेंज होते हैं ना उसके लिए हम लोग कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, हम लोगों को ध्यान से देखना है कि होगा क्या। दिस इज योर मिथाइल बेंजीन दैट इज नथिंग बट व्हाट टोल्यू, ठीक है। इसमें होगा क्या, CH3CH, यहाँ से जो दो एच है फॉर अ टाइम में निकल जाएंगे, दो एच निकल जाते हैं तो उसकी दो बैलेंसेस फ्री होगी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, तो ये देखिए कि इसके साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन आएंगे ना, सो ये कैसे होगा, ये देखिए ये CH दो एच का इस तरीके से दो बैलेंस ये कार्बन की फ्री हो रही है। सो यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा, दैट्स व्हाई देखिए ये जो CrO2Cl2 है ना, ये लिखते हुए मैं इस तरह से लिख रही हूँ OCrO, और ये H फ्रॉम दिस कम्स इन बिटवीन दिस O एंड CL, और ये CL2 तो पहले से इस तरह की हमारी ये दो बैलेंसीज हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या ट्वाइस, देखिए ये कैसे बना है, CH लिख देना है आप लोगों ने, फिर वहाँ से दो H फॉर अ टाइम में निकाल देना है, रिमूव नहीं हो रहे हैं, और ये जुड़ते हुए कैसे जुड़ेगा OCrO, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ से जो H था वो यहाँ आ जाएगा HCl2, और ये H भी टू टाइम्स है, इसको बैलेंस कर दोगे टू से, तो ये हो जाएगा हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। दिस इज नथिंग बट व्हाट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, का फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, एंड दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, ये क्या देगा, दिस विल गिव्स यू बेंजाल्डिहाइड। बाकी आप लोगों ने कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, सिंपली इसी वे से रिएक्शन लिखनी है। सो देखिए मिथाइल बेंजीन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड, मिथाइल बेंजीन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एट 273 केल्विन, हम लोग लिख सकते हैं, या 0.5 डिग्री सेल्सियस, मैंने सिंपली 273 केल्विन लिख दिया है, रेंज आप लोग लिख सकते हो 273 to 278 केल्विन, मींस 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मारा नहीं भी लिखते तो मार्क्स नहीं जाने वाले, बट मोस्टली इट इज कैरिड आउट एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर CH3 ग्रुप दिस अंडरगोस ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन मेथड का पहला मेथड है, पहला रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज रिटार्ड रिएक्शन। सो मिथाइल बेंजीन मींस मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग व्हाट क्रोमाइल क्लोराइड, या व्हेन क्रोमाइल क्लोराइड इज एडेड देन मिथाइल ग्रुप ऑफ व्हाट एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक बेंजीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड दैट विल गिव्स व्हाट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो इसके लिए देखिए हम लोग स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, आप लोगों को रिएक्शन ट्रिक्स याद रखनी है, दो एच निकाले फॉर अ टाइम में ये एच निकल जाएगा और दैट विल गिव्स व्हाट ये CH, और यहाँ जुड़ते वक्त देखिए कैसे लगाना है, बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, दैट्स व्हाई CH OCrO, और ये एच जो यहाँ से निकाला था हम लोगों ने वो यहाँ आ जाएगा HCl2, और ये पूरा दो एच थे इसलिए होल्ड वाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज योर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस,
एंड इज वॉट हेयर बेंजहार्डेन. सो ये वे आर गेटिंग बेंजहार्डेन, यहाँ हम लोगों को मिलने वाला है बेंजहार्डेन. ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रहेगा, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजहार्डेन बाय यूजिंग वॉट क्रोमियम क्लोराइड इज नोन एज वॉट इटार्ड रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन. ठीक है, मिथाइल बेंजीन विद क्रोमाइड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 दैट इज कॉल्ड एज वॉट इटार्ड रिएक्शन. नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट रहेगा एसिडिलेशन बाय, मतलब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रहेगा बाय यूजिंग एसिडिक अनहाइड्राइड, बाय यूजिंग एसिडिक अनहाइड्राइड. नेक्स्ट रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन या एरोमेटिक अरेंज बाय यूजिंग CrO3, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन ऑक्सीडेशन में पहला हमारा इटार्ड रिएक्शन था, ये दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय यूजिंग CrO2. या फिर इसमें एक और चीज़ आप लोग याद रखोगे बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO4 2. ठीक है, सो यहाँ पर भी देखिए सब्स्टिट्यूट बेंजीन भी आप लोग यूज कर सकते हो, बेंजीन में CH3 तो एक कंपल्सरी चाहिए. यदि मान लो इसके साथ NO2 ग्रुप होगा एडिशनली या कोई और फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट ऑन सम अदर पोजीशन, सो जब भी रिएक्शन होगा ओनली CH3 ग्रुप पर होने वाला, वो जो भी सब्स्टिट्यूट के लिए होता है तो वो एज इट इज रिटेन रहेगा. ठीक है, वो आपके बुक में नहीं है तो लिंक करने की जरूरत नहीं, बट मानो होगा तो वो रिएक्शन में एज इट इज मतलब प्रोडक्ट दिखाई देगा. चेंजेस ऑकर्स एट व्हाट CH3 ग्रुप, मीन CH3 इज ऑक्सीडाइज, CH3 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है. इन अगेन दिस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैरिड आउट बाय यूजिंग CH3CO एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट CrO3. ये भी 0 to 5 degrees Celsius मतलब नियर अबाउट 273 Kelvin पर ही रिएक्शन होती है. सो देखिए क्या होगा, यहाँ से फिर से वापस 2H रिमूव हो जाएंगे, मतलब फॉर अ टाइम में रिप्लेस हो जाएंगे, और क्या देगा ये कॉम्प्लेक्स बेंजीन रिंग विद यहाँ देखिए CH, ये O भी अंदर आने वाला है, CH 2H निकलने वाले हैं, CHO CO CH, और ये हो जाएगा हमारा होल्ड पॉइंट. ठीक है, बेंजीन रिंग विद OCOCH3 बेंजीलिडिन डायसिटेट, दिस इज बेंजीलिडिन. एसिडेट कॉम्प्लेक्स हम लोग बोल सकते हैं इसी को. 2H निकल रहा है यहाँ से 2H और यहाँ पे आ जाएगा OCOCH3 फोर ट्वाइस और कहीं ना कहीं CH3COH रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, साइट्रेट आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है. दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, इसका फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस होगा H3O प्लस और ये क्या देगा, दिस विल गिव्स यू बेंजहार्डेन, दिस विल गिव्स यू बेंजहार्डेन. ठीक है ना, सो अगेन वी आर गेटिंग बेंजहार्डेन हियर, एरोमेटिक एल्डिहाइड वी आर गेटिंग, एरोमेटिक एल्डिहाइड. सो दीज टू आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच मीन्स दैट इज मीन्स इन दिस टू रिएक्शन द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट मिथाइल बेंजीन इज कैरिड आउट. मिथाइल बेंजीन means oxidation of only methyl group of aromatic ring, methyl group undergoes oxidation by using either हम लोगों ने इटार्ड रिएक्शन में देखा by using क्रोमाइड क्लोराइड, इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा by using एसिटिक अनहाइड्राइड बट इन प्रेजेंस ऑफ CrO3. सो देखिए यहाँ से 2H फॉर अ टाइम भी निकल जाएंगे और यहाँ आएगा आपका OCOCH3, 2H रिमूव हो रहा है इसलिए ट्वाइस ऑफ एसिटेट ग्रुप आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई, और ये पूरा ग्रुप इसका नेम है बेंजीलिडिन BENZY चाहिए यहाँ पे, बेंजीलिडिन डायसिटेट या सिंपली आप लोग लिख सकते हो डायसिटेट कॉम्प्लेक्स, और दिस डायसिटेट कॉम्प्लेक्स अंडरगोस हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस एंड दिस CHO हियर. सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट एरोमेटिक रिंग या मिथाइल बेंजीन. नेक्स्ट मेथड रहेगा बाय, मतलब थर्ड ऑक्सीडेशन फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने पहला इटार्ड देखा है और सेकेंड देखा है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय यूजिंग CrO3, और उससे में एरोमेटिक एल्डिहाइड का थर्ड प्रिपरेशन रहेगा बाय क्लोरिनेशन ऑफ साइड चेन, क्लोरिनेशन या फ्रॉम साइड चेन, क्लोरिनेशन ऑफ साइड चेन. इसमें कैसे होगा, बेंजीन रिंग में CH3 रहने वाला आपका प्रोडक्ट, इसका क्लोरिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 एंड HNO. ठीक है, क्लोरिनेशन इज कैरी आउट, दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑलवेज कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या HNO, एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग विद CHCl2, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग विद CHCl2, सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड डिफरेंट होता है, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग विद व्हाट CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड होगा.
और ये क्या है बेंजीन रिंग विद CHCl2, दो एच रिप्लेस हो रहा है, दो सी एल आ रहा है, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस बेंजाल, बेंजाल क्लोराइड, दिस इज बेंजाल क्लोराइड. अगेन दिस अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O+, क्या देगा ये बेंजाल क्लोराइड चेंजेस टू CHO ग्रुप, इट गिव्स बेंजाल्डिहाइड, ये फिर से आपको CHO ग्रुप देने वाला है. एंड दिस इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर बेंजाल्डिहाइड, ये कमर्शियल, एक्सप्लेन या राइट अ नोट ऑन कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना. इससे हम लोगों ने तीनों भी मेथड हम लोगों ने पढ़ाया, ऑक्सीडेशन में टार रिएक्शन और दूसरा बाइजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ाया क्लोरीनेशन ऑफ दिस साइड चेन, मीन्स व्हाट हियर मिथाइल बेंजीन साइड चेन पर ही क्लोरीनेशन हो रहा है, बेंजीन रिंग रिमेंस एज इट इज, अगेन दिस इज मिथाइल बेंजीन. ये तीनों भी रिएक्शन में आप लोगों का स्टार्टिंग मटेरियल मिथाइल बेंजीन मतलब क्लोरीन ही है. सो दिस टोरिन अंडरगोस क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, आप लोगों लिखना है सिंपली यूवी लाइट लिखना है. सो इट चेंजेस CH2 ग्रुप चेंजेस टू व्हाट CHCl2, ठीक है, CH3 ग्रुप चेंजेस टू CHCl2, मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ 2H/2Cl, ठीक है. सो CHCl2 वैलेंसी भी मेंटेन होनी चाहिए, सो CHCl2 है ना कि इससे रिमूव हो जाएगा, साइड बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. And this benzyl chloride undergoes what hydrolysis, acid hydrolysis, and this what benzaldehyde. क्या देगा ये benzaldehyde देगा. Are you getting this? So ये हुआ हमारा commercial method of preparation. Next रहेगा हमारा Guttermann-Koch formulation. Guttermann-Koch formulation. Guttermann-Koch formulation. ये reaction एकदम simple है. इसमें starting material होता है benzene. अभी तक के जितने भी हम लोगों ने एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड बनाए हैं ना, उसमें स्टार्टिंग मटेरियल पहले तीनों भी रिएक्शन में मिथाइल बेंजीन ही है, उस वजह से भी आप लोग रिएक्शन याद रख सकते हो, ठीक है. और ये Guttermann-Koch फॉर्मुलेशन में स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा बेंजीन, बेंजीन से हम लोगों को मिल रहा है बेंजाल्डिहाइड, ये वैरिएटिंग बेंजाल्डिहाइड. रिएक्शन काफ़ी आसान है, मैंने बताया था जो तीन रिएक्शन पूछे गए थे उसमें एक रिएक्शन ये भी था, एक रुसेल नोट, दूसरा फ्रेडक्राफ रिएक्शन और तीसरा था Guttermann-Koch फॉर्मुलेशन, कन्वर्शन के तौर पे पूछे गए थे. स्टार्टिंग मटेरियल ये भी आपके पास मेंशन था, ये आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना था और आप लोगों को ये मतलब रिएक्शंस लिखनी थी. सो दिस इज कैरिड आउट बाय सेम कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मीन्स कोबाल्ट, डी कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड HCl, ठीक है. देन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है. और क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 लिख सकते हो या CuCl अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl अंडर प्रेशर, ठीक है. इतना कंडीशन आप लोगों ने लिखना होता है रिएक्शंस में, मतलब ये रिएक्शंस लिखते वक्त ये आया था. विल ब्रिंग अबाउट द कन्वर्शन ऑफ बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, कहीं पर भी लगा दीजिए, बाकी कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपली यहाँ पर राइट कि बेंजीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, इट अंडरगोस फॉर्मुलेशन रिएक्शन बिकॉज हियर H मतलब दिस बेंजीन रिंग में एक CHO ग्रुप फॉर्मल ग्रुप जुड़ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब. सो इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस वन क्लोराइड, ठीक है. यहाँ आपका डेल्टा भी आएगा, अंडर प्रेशर दिस रिएक्शन कैरिड आउट एंड हियर बेंजीन चेंजेस टू बेंजाल्डिहाइड. सो दिस इज Guttermann-Koch फॉर्मुलेशन, Guttermann-Koch फॉर्मुलेशन, ठीक है. सो ये इस मेथड से हम लोगों को इन तीनों चारों मेथड में हम लोगों को क्या मिला, ओनली बेंजाल्डिहाइड. सो फर्स्ट रिएक्शन में आप सीन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड मींस फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन मींस बाय यूजिंग क्रोमाइन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2. सेकंड रिएक्शन में आप सीन बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड बट इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एट अबाउट 0°C मींस 273°K. और लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने ये पढ़ा है Guttermann-Koch फॉर्मुलेशन का, बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3+ क्यूप्रस क्लोराइड अंडर प्रेशर. सो हियर बेंजीन चेंजेस टू बेंजाल्डिहाइड, बाकी बीच में क्या हो रहा है कुछ हो रहा है ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों ने सिंपली बेंजीन चेंजेस टू बेंजाल्डिहाइड लिखना होता है. हियर सिंपली देयर इज व्हाट एडिशन ऑफ CHO ग्रुप, सो ये फॉर्मुलेशन फॉर्माइल ग्रुप आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज बेंजाल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड हो गया या Guttermann-Koch फॉर्मुलेशन हो गया, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है. मेनली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड और एरोमेटिक कीटोन के लिए हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ी है फ्रेडिक्राफ रिएक्शन पढ़ा, ठीक है. फ्रेडिक्राफ रिएक्शन इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी न्यू नेम भी आया, Guttermann-Koch फॉर्मुलेशन आया हमारा. देन हम लोगों ने प्रीवियस इसमें पढ़ा है रोसेनबॉम रिडक्शन, फ्रेडिक्राफ रिएक्शन, ये ऐसी वाली रिएक्शन है आप लोगों ने करके रखनी है. फ्रेडिक्राफ में भी एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं, फ्रेडिक्राफ रिएक्शन में एरोमेटिक कीटोन्स ओनली. देन ये सारे मेथड से आप लोगों के एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनते हैं. रोसेनबॉम में रिडक्शन होता है,
एम्ब्रेस ऑफ पीडीएस ऑफ 4, इस तरह से आप लोगों ने कुछ अपनी ट्रिक्स या कुछ अपने समरीज बना के शॉर्ट रिएक्शन उसकी बना देनी है, ठीक है, और उस तरह से रिएक्शन मेमोराइज करनी है. नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ वॉट, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक रहेगा उसमें कीटोन्स बट बायोसिन डायलिटी कैडमियम. नेक्स्ट मेथड रहेगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन्स बायोसिन, यहाँ कीटोन्स मिलने वाले, प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स बायोसिन एसिटिक क्लोराइड या असाइल क्लोराइड by using acyl chloride and dialkyl cadmium cadmium. So देखिए cadmium मतलब CD. So ये कैसे होता है ना, dialkyl cadmium, first we have to write the preparation of dialkyl cadmium. ये कैसे मिलेगा, acetic chloride for example RC double bond OCl. ये हम लोग पहले तो हम लोग डायलकाइल कैडमियम कैसे बनता है वो देख लेते हैं. CdCl2 से बनेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX प्लस CdCl2. दिस टू रिएक्ट प्रोड्यूस व्हाट, CdCl2 के साथ रिएक्ट होकर क्या देता है, ये डायलकाइल कैडमियम देगा. डायलकाइल कैडमियम मतलब डायलकाइल ग्रुप मींस R2Cd, ठीक है, R2Cd. डायलकाइल बनता कैसे, सो ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट्स विद CdCl2 एंड विद डायलकाइल कैडमियम. ये डालकर कैडमियम बन गया, रिमेनिंग हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा. ये R2 है तो हम लोग यहाँ कर देते हैं 2 से बैलेंस, बचा क्या हमारे पास, R2 वहाँ चला गया, बचा क्या हमारे पास MgX और ये Cl, ठीक है ना, Cl भी ट्वाइस है, ये सब हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा बाय 2 से. सो यहाँ हम लोगों को मिला है डालकर कैडमियम, दिस इज डालकर कैडमियम. आर गेटिंग दैट, डालकर कैडमियम इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन. When Grignard reaction reacts with cadmium chloride CdCl2, that will give you dialkyl cadmium. How? Cd यहाँ पर है और यहाँ पे dialkyl मतलब R2Cd, यहाँ Cd2 plus में cadmium. So देखिए R2Cd, then बचा क्या हमारा MgX और ये Cl. यहाँ हम लोगों ने twice किया था for twice of alkyl group, so ये भी हमारा twice से balance कर दिया हम लोगों ने, तो chloride पे balance हो गया. अब ये dialkyl cadmium हमारा react होता है acyl chloride RC double bond OCl plus R2Cd, ठीक है ना, और क्या देगा ये, क्या देगा ये, RC डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, RC डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्काइल ग्रुप, ठीक है. सो ये R ट्वाइस है तो ये हम लोग करेंगे 2 से बैलेंस, ये भी हो जाएगा 2 से बैलेंस, बचा क्या CdCl2. ये जनरल मैंने लिखा है कि हाउ फर्स्ट स्टेप में, कि हाउ डायलकाइल कैडमियम इज फॉर्म, डायलकाइल कैडमियम कैसे बनता है ये हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में देखा है. सो यहाँ देखिए कैसे हो रहा है ना, ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है CdCl2 के साथ और ये दे रहा है डायलकाइल कैडमियम R2Cd. ये R2 लिखा हम लोगों ने, इसलिए हम लोगों ने ये ग्रिग्नार्ड रीजन था वहाँ हम लोगों ने बैलेंस कर दिया बाय 2 से फॉर बैलेंसिंग ट्वाइस ऑफ अल्काइल ग्रुप. दो अल्काइल ग्रुप बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ ट्वाइस से बैलेंस किया है, बचा है हमारे पास MgX और ये Cl, वो भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया बिकॉज टू नेगेटिव चार्ज टू अटैच टू डायवेलेंट मैग्नीशियम. सो ये वैगेटिंग R2Cd, यहाँ हम लोगों को R2Cd मिला है इस तरीके से RMgX CdCl2, इससे मिला हम लोगों को R2Cd और बचा क्या हमारे पास RMgR, ये बचा हमारे पास MgX और Cl. ये हम लोगों ने R के लिए यहाँ 2 से बैलेंस किया, तो जो साइड प्रोडक्ट है ना उसको भी 2 से बैलेंस करना ही पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Cl अपने आप बैलेंस हो जाएगा. फिर वही डायलकाइल कैडमियम हम लोग यहाँ लेके आए हैं, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है एसिटिक क्लोराइड, मतलब इन जनरल असाइल क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड कुछ नहीं किया हम लोग ने, जनरल लिखा है RC डबल बॉन्ड OCl प्लस R2Cd. तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पर, RC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ आ जाएगा C विल बी सब्स्टिट्यूट बाय दिस अल्काइल ग्रुप. सो यहाँ अल्काइल ग्रुप ट्वाइस है इसलिए हम लोग यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन एटम डिस्टर्ब, तो यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा बाय 2 से और सेपरेट क्या होगा CdCl. अभी देखिए हम लोगों को कीटोन्स मिला यहाँ पर सिंपल और जैसे भी होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा. मानो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH3MgBr, ठीक है ना, प्लस CdCl2, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड के साथ या आयोडाइड के साथ भी आप लोग कर सकते हो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दिस इज, ठीक है. क्या देगा ये डायमिथाइल कैडमियम CH3 ट्वाइस, यहाँ हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा फॉर ट्वाइस ऑफ अल्काइल और ये देगा सी डायमिथाइल
दिस इज योर डायमिथाइल कैडमियम. दिस डायमिथाइल कैडमियम और साइड प्रोडक्ट भी देखिए क्या हो जाएगा. ये एम जी बी आर है और बचा हुआ सी एल, ये ट्वाइस ऑफ सी एल है और वैसे भी ये हम लोगों ने बैलेंस किया तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा. दिस इज डायमिथाइल कैडमियम, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. आप लोगों को सिंपली रिएक्शन डायमिथाइल कैडमियम प्लस यहाँ सपोज ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस डायमिथाइल कैडमियम CH3 ट्वाइस सी डी, इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन पूछा जाएगा आपका. सो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से CH3 आएगा हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 आएगा, ये CH3 ट्वाइस है तो हम लोग यहाँ बैलेंस करेंगे टू से, यहाँ पर बैलेंस करेंगे टू से, बचा क्या CDCl2. सो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, दिस इज एसीटोन. एसीटोन या प्रोपेन 1 इज आई बेस नेम ऑफ दिस. ठीक है, सो आप लोगों को डायरेक्ट ये भी रिएक्शन पूछे जा सकते हैं कि हाउ यू प्रिपेयर एसीटोन या प्रोपेनोन या प्रोपेन 1 फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड. एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल आई बेस नेम है उसी का, इथेनॉइल क्लोराइड इसके पहले भी मैंने लिखा है. दिस इज योर डायमिथाइल कैडमियम. ठीक है ना, सेम डायमिथाइल ग्रुप यदि यूज करते हो आप लोग नेक्स्ट इसके लिए, और मानो मैंने एसिटिल क्लोराइड की जगह या इथाइल क्लोराइड की जगह हम लोग इथेनॉइल की जगह हम लोग बेंजोइल सपोज लिखते हैं, सो क्या होगा रिएक्शन, क्या होगा प्रोडक्ट, C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल. ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे CH3 लिख देती हूँ डायमिथाइल कैडमियम. आप रिएक्शन मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस करोगे. ठीक है, ये डायफिनाइल भी कर सकते हो, डायफिनाइल करोगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट को आप लोगों ने करना है. सो देखिए C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, दिस इज योर बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज डायमिथाइल कैडमियम. मैंने एक जगह लिख दिया, आप लोगों ने नेम लिखने. क्या होगा प्रोडक्ट, C6H5 सी डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, CH3 ट्वाइस है तो ये ट्वाइस कर दीजिए, तो ये भी ट्वाइस करना पड़ेगा, बचा क्या हमारे पास CDCl2, बचा क्या है CDCl2. ठीक है, CDCl2 बचा है. सो दिस इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा, C6H5 मतलब बेंजीन, सी डबल बॉन्ड CH3 मींस दिस इज नथिंग बट एसीटोफिनोन, दिस इज नथिंग बट एसीटोफिनोन. आर यू गेटिंग दैट, कैसे आप चेंजेस करते हो या कैसे रिक्वायर कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा. यदि हमारा दो दो फिनाइल ग्रुप होता है, ये देखिए मैं रिएक्शन फिर से बता रही हूँ, दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और ये डायमिथाइल कैडमियम है, तो क्या करना है, सिंपली C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल को हटा देना है, यहाँ डालना है आपको CH3. सो बन गया आपका एसिटोफिनोन, ये CH3 ट्वाइस है इसलिए हम लोगों ने यहाँ ट्वाइस से बैलेंस किया, ये ट्वाइस से बैलेंस कर रहे हैं तो ये भी डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको भी बैलेंस करोगे. सो देखिए जब भी आपका CDCl निकलेगा तो वो CDCl2 रिमूव हो जाएगा, वो भी बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट एक और रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, C6H5 वालों सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस डायफिनाइल कैडमियम, दिस इज योर डायफिनाइल ग्रुप, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ना दिस इज बेंजोइल क्लोराइड और ये है हमारा डायफिनाइल, डायफिनाइल कैडमियम. ठीक है, सो ये क्या देगा, C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ C6H5 प्लस क्या हो रहा है CDCl2, फिनाइल ग्रुप ट्वाइस है तो ये ट्वाइस कर दीजिए, ये ट्वाइस कर दीजिए, दिस इज डायफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन. इसी वैसे आप रिएक्शन कर सकते हो या बेंजाइल ग्रुप भी डाल सकते हो नेक्स्ट ग्रुप से, वैसे आप लोगों को रिएक्शन मिलेगी. मतलब इस मेथड से वी कैन प्रिपेयर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स ओनली, कीटोन्स ही मिलने वाला है, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा. इसके प्रीवियस इसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड देखा है और इस मेथड में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स पढ़े हैं. एक और रिएक्शन हम लोगों ने फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हम लोगों को मिल रहा था ओनली एरोमेटिक कीटोन्स, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स. फ्रीडलक्राफ्ट में एरोमेटिक कीटोन्स से मिलेगा, एलिफैटिक नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन इस लेसन में काफी रिएक्शन मिक्सड है, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक. मैंने पहले ही बोला था कि धीरे धीरे रिएक्शन का लेवल बढ़ने वाला है, इसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने सारे वीडियोस देखने, स्टार्टिंग से ही पढ़ने वाले हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है. ये रिएक्शन ही आप लोग निकालो ये लेसन मतलब, तो आप लोगों का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा ऑर्गेनिक में आप लोगों का अच्छा आएगा और आप लोग काफ़ी सेफ हो. ठीक है ना, और मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे और एंट्रेंस के लिए भी फिर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एंट्रेंस से रिलेटेड भी रिएक्शन यहाँ तक कवर हो चुके हैं, अलग अलग वे से अलग अलग तरीके से रिएक्शन यहाँ आ चुके हैं. तो इसलिए आप लोगों ने ये सारे रिएक्शंस पढ़नी है और करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होता है. फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त आप लोगों को लगता है, शॉर्ट में मैं इन सारे रिएक्शन को मतलब अभी तक जितना हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा है RDA कीटोन को मैं समराइज करा देती हूँ. ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ काफ़ी मिक्स तरीके से रिएक्शन पढ़े एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक.
वही हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल में भी थोड़ा सा सेपरेट था, एलिफेटिक हम लोगों ने अलग पढ़ा, एरोमेटिक एलोमेटिक हाइड्रोक्सीडेरिवेटिव अलग पढ़े हैं, दैट इज फिनॉल की इथर्स में हमारा थोड़ा सा आया है इथर्स में, बट उसमें भी थोड़ा सा मतलब एनिसोल वाली रिएक्शन अलग ही जगह थी और बाकी एलिफेटिक रिएक्शन एलिफेटिक इथर्स वाली रिएक्शन अलग जगह थी। बट इसमें देखिए स्टार्टिंग से ही लेके स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोगों ने एलिफेटिक अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ा और उसके बाद हमारी रिएक्शन में ज़्यादातर मिक्स वाला ही आया है, तो उसको मैं समराइज करा देती हूँ। चलो तो हम लोग समराइज करते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, स्टार्टिंग में आएगा इसने हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा मतलब इसको समराइज करें, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटो, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन, इसको मैं समराइज करा दे रही हूँ, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आप लोगों ने भी इसी तरह से अपना समरी बना ली है और की पॉइंट्स याद रखने क्या क्या होता है। पहला प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा है, किससे देखा है, फ्रॉम अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, नंबरिंग आप लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में करने हैं आपको करने हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। इस लेसन में हम लोगों ने ना अल्डिहाइड्स और कीटोन कंबाइन पढ़ा है। पहला आया था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग पीसीसी या फिर CrO3 या फिर K2Cr2O7 डाइहाइड्रेस्टर, सो वो भी करके रखना है। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स अल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स कीटोन, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। उसमें एडिशनल रिएक्शन ये भी बता दो, अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप तो हो बट इन एडिशनल टू दैट अनसैचुरेशन हो या फिनाइल ग्रुप हो तो वो एज इट इज रिटेन रहेगा। चेंजेस कहाँ हुआ, OH ग्रुप चेंजेस टू CH2, ठीक है ना, डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी, बट यहाँ नहीं पूछी जाएगी जितनी रिएक्शन हम लोगों ने की है उसी तरह से करनी है। वो वाली रिएक्शन आप लोगों को ज़्यादातर एंट्रेंस में आती है उस वजह से कि कहाँ फंक्शन ग्रुप कहाँ पे चेंजेस होते हैं। मैंने जो सिंपल स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ तो वही बता रही हूँ कि फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इन दिस वे ऑफ सी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसीटोन बाय यूजिंग पीसीसी या K2Cr2O7 एंड डाइहाइड्रेस्टर सपोर्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े हैं, फ्रॉम व्हाट, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी एलिफेटिक कीटोन अल्डिहाइड कीटोन ही बने हैं। और दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन लिखा है कलेक्टिवली बट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है बायोसिंग अल्किन्स बायोसिंग अल्काइन्स, यहाँ ओजोनोलिसिस होता है या हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन में ही आप लोग याद रखोगे 40% H2SO4 प्लस 1% HgSO4, ठीक है। सो रिएक्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। देन नेक्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा है थर्ड मेथड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन पढ़ाए थे, जो भी होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन उसमें हम लोगों ने फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन और फ्रॉम अल्किल नाइट्राइज। यह हमारा मेनली आपकी बुक में मेनली फ्रॉम अल्किल नाइट्राइज है बट मैंने एडिशनल हाइड्रोजन साइनाइड से भी बता दिया तो वो भी आप करके रखोगे। सो ग्रिग्नार्ड्स रीजन में हम लोगों ने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एसिटाल्डिहाइड भी पढ़ा है हम लोगों ने बट आपके बुक में मेनली कीटोन्स का दी है। सो यहाँ कीटोन्स एलिफैटिक एसिड और एरोमेटिक कीटोन्स भी हम लोगों ने पढ़ा। आप एक और चीज़ यहाँ प्रिपेयर करके रख सकते हो, यहाँ हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड भी प्रिपेयर किया बाय यूजिंग HCN एल्डिहाइड का कोई भी मेंबर यदि बनाना है तो हम लोगों को नाइट्राइड में हाइड्रोजन साइनाइड ही लेना पड़ेगा, अल्किल नाइट्राइड नहीं ले सकते, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने यदि हाइड्रोजन साइनाइड रखते हो और अल्काइल ग्रुप हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रीजन से चेंज करते तो वी आर गेटिंग अल्डिहाइड्स, और कीटोन्स बनाने हैं तो आप लोगों को RC ट्रिपल बॉन्ड N अल्काइल ग्रुप लेने। सो अल्काइल ग्रुप हम लोग डिपेंड करता है, सो अल्काइल ग्रुप आप RC ट्रिपल बॉन्ड N में चेंज कर सकते हो या फिर RMJ ग्रिग्नार्ड्स रीजन में चेंज कर सकते हो। सो इस मेथड में हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन देखा है। सो मेनली आपके बुक में कीटोन्स गिवन है और इसमें एरोमेटिक भी गिवन है, ठीक है। बेंजोनाइट्राइड से हम लोगों ने यहाँ प्रिपरेशन देखा है, वो भी आप लोग यहाँ की पॉइंट्स लिख के रख सकते हो कि यहाँ आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है, नेक्स्ट हम लोगों ने एसिड क्लोराइड्स लिया था, बीच में रोसनमोंड रिएक्शन आ गया था, सो वही लिख देती हूँ मैं, असाइक्लोराइड, बट यहाँ हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी, मतलब ये जो असाइक्लोराइड ज़्यादातर टाइम यूज हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम यहाँ यूज हुआ है इस प्रिपरेशन में अल्डिहाइड कीटोन में, बट असाइक्लोराइड मतलब H2 हाइड्रोजनेशन होता है इन प्लेस ऑफ BDBSO4, तो ये हो जाता है हमारा रोसनमोंड रिडक्शन, ये हो जाएगा हमारा रोसनमोंड रिडक्शन, ठीक है। रोसनमोंड रिडक्शन हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, यहाँ मेनली हम लोगों को क्या मिला है, एलिफेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक अल्डिहाइड। रोसनमोंड रिडक्शन आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड होगा, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड,
गेटिंग दैट? इससे मिलेगा आप लोगों को, मतलब इससे आप लोगों को मिलेगा विंसार्डेड, और दिस रिडक्शन इज नोन एज आल्सो नोन एज रोसन मोन रिडक्शन. तो यहाँ हम लोगों ने मेनली एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड पढ़े, तो वो आप लोग यहाँ नोट डाउन करके रख सकते हो. फिर हम लोगों ने पढ़ाया, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्टीफन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है ना. स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन या रिएक्शन बोल सकते हो. दिस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग SN, ये भी आप लिख के रख सकते हो. SnCl2 डायरेक्ट SnCl2 आप लिख सकते हो, या फिर SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दिस टुगेदर रिएक्टिव इज व्हाट, दिस टू रिएक्टिव इज व्हाट SnCl2, आइदर SnCl2 डायरेक्ट लिखा होता है या फिर SN या कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ये देता है एमाइन हाइड्रोक्लोराइड फर्स्ट, और दिस एमाइन हाइड्रोक्लोराइड अंडरगोस हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स एल्डिहाइड, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन, और दिस रिडक्शन में ऑल्सो भी कैरिड आउट बाय यूजिंग डाइसोबुटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट, ठीक है ना. तो वो भी आप लोग लिखोगे, बट रिडक्शन, इफ रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग SnCl2, तो वो होता है हमारा स्टीफन रिएक्शन, ठीक है. तो ये हम लोगों ने पढ़ा. उसके बाद हमारे प्रिपरेशन में आया है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यहाँ पे आपके एलिफेटिक और सॉरी इसमें आपके एरोमेटिक कीटोन्स ही बनते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है तो इसमें क्या हो रहा है हमारा बेंजाइल क्लोराइड रहेगा, ठीक है, बेंजीन प्लस बेंजाइल क्लोराइड रहेगा. इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एयर सेल थ्री रिएक्शन आप डिटेल पढ़ोगे, अनहाइड्रस एयर सेल थ्री. फ्रिडल क्राफ्ट जब भी आता है आप लोगों ने अनहाइड्रस एयर सेल थ्री लिखना है, डेल्टा लिखना है. रिप्लेसमेंट ऑफ एच ऑफ बेंजीन रिंग बाय एसिटिल ग्रुप इज नथिंग बट व्हाट, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन. एसिटिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग का, तो वो हो जाता है बेंजीन क्राफ्ट एसाइलेशन. तो वहाँ आप लोगों को मिल रहा है एरोमेटिक कीटोन्स ही मिलता है, मेनली एलिफेटिक कीटोन्स नहीं मिलेगा. कहाँ पे कौन सा ही मिल रहा है वो भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद, तो छुट्टा तो भी यहाँ पर छुट्टा होगा तो लास्ट लिख देंगे हम लोग. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है एरोमेटिक अल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ मोस्टली एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, ठीक है. यहाँ आप लोगों को सिर्फ एरोमेटिक कीटोन्स मिलता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से. यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट मेथड, मैं ऐसा सब मेथड डाल देती हूँ. यहाँ हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन मेथड, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन. इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन लिख देते हैं इटार्ड रिएक्शन. सेकेंड वन हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग बाय व्हाट, CrO3, बाय यूजिंग CrO3. इसमें एक और चीज़ आप याद रखोगे, और बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्रेट, ये भी याद रखने. देन नेक्स्ट में था एरोमेटिक अल्डिहाइड में पहला इटार्ड रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन. तो ये दोनों भी ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग और CrO, ये दोनों भी आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ये सेवन्थ मेथड में, मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड की आप लोग अलग से प्रिपरेशन बना सकते हो कि एरोमेटिक में आपने फर्स्ट इटार्ड रिएक्शन पढ़ा, दूसरा बाय यूजिंग CrO3 एंड एसिटिक अनहाइड्रेट पढ़ा है हम लोगों ने, थर्ड मैं इसी में कर देती हूँ. बट ये दोनों सिर्फ ओनली दिस टू आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. थर्ड वन हम लोगों ने पढ़ा क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ एरोमेटिक ही है ना, तो एरोमेटिक ही आने वाला है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. सो यहाँ क्लोरीनेशन ऑफ बाय यूजिंग Cl2 इन विच बेंजाइल क्लोराइड इज फॉर्म फर्स्ट, विच इज देन रिएक्ट विच अंडरगोस एसिड हाइड्रोलिसिस एट अबाउट 373 केल्विन. टेम्परेचर वहाँ पे मिस हो गया तो आप टेम्परेचर मेंशन कर दोगे, नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डेल्टा दे देना है सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस जो कि हम लोगों ने दिया है, और इट इज बेंजाइल. सो ये क्लोरीनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है. आफ्टर दिस हम लोगों ने क्या रिएक्शन पढ़ा है, इटार्ड रिएक्शन बाय यूजिंग ब्रोमाइन क्लोराइड. हाँ, एक और रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पढ़ी है ना, गटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन, ठीक है. सो स्टीफन रिएक्शन, गटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन, रोसन मोन रिडक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, ये तो आप लोगों को डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है. और लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखा है, ये हालांकि बीच में ही आना चाहिए था इसके बाद, बट फिर भी यहाँ एरोमेटिक स्टार्ट हो गया तो एरोमेटिक के रिएक्शन आ गए, आप लोग कहीं पर भी पढ़ सकते हो. और लास्ट हम लोगों ने देखा है बाय यूजिंग डायल्टाइल कैडमियम और बाय यूजिंग असाइक्लोराइड और डायल्काइल कैडमियम. बट यहाँ हम लोगों ने किया है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोस. फ्रिडल क्राफ्ट में हम लोगों को एरोमेटिक कीटोन से मिलता है,
ठीक है, बट ये वाले मेथड से हम लोगों को एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स मिलते हैं. सो ऑल दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. इस तरह से आप लोग समराइज करा लोगे और काफ़ी सारे रिएक्शन आ रहे हैं, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, कन्फ्यूज भी नहीं होना है. आसाई क्लोराइड आप लोगों का काफ़ी जगह आ रहा है बट वो अलग अलग रिएजेंट के साथ है, तो वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है. या हमारा सबसे लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ आसाई क्लोराइड, वहाँ हम लोगों ने डायलिटर कैडमियम के साथ पढ़ा है. देन फ्रीडेल क्राफ्ट में तो अलग से ही होता है. देन डोर्सल बोन रिडक्शन होता है, तो वहाँ पर H2SO4. आई थिंक प्रैक्टिस करते हो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा. आज तक तो नहीं हुआ है किसी का कन्फ्यूजन, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है. पुराने सिलेबस में भी ये तीनों रिएक्शन थी, वन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन और ये वाला भी, तो आसाई क्लोराइड तो उसमें तो ज़्यादातर टाइम आ ही रहा है. तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है हर एक रिएक्शन में, तो आप लोगों का मतलब अच्छे से हो जाएगा ये टॉपिक. ठीक है, राइटिंग 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 इज द ओनली सॉल्यूशन टू रिमेंबर ऑल दिस रिएक्शन ऑल दिस. कोई भी ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन यदि करनी है तो आप लोगों को इस तरह से लिखना होता है. या आपको राइट थ्री टाइम्स सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब एक ही एग्जाम्पल थ्री टाइम्स लिखोगे. ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया वन टाइम, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, वो बिल्कुल भी मीनिंगलेस है, बिल्कुल भी काम का नहीं है. एक ही रिएक्शन, एक ही टॉपिक आप लोग थ्री टाइम्स सक्सेसिव थ्री टाइम्स करते हो, एटलीस्ट थ्री टाइम्स, एक्चुअली थ्री टाइम्स सफिशियंट नहीं है, उससे ज़्यादा करना है आप लोगों ने, बट एट अ टाइम थ्री टाइम्स आप लोगों ने करना है, एट अ टाइम. ठीक है, एक बार में ही थ्री टाइम्स करना है, मतलब एक टाइम आप जो रिएक्शन लिख रहे हो वही रिएक्शन आप लोगों ने थ्री टाइम्स लिखना है. सो ऑलवेज यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग थ्री टाइम्स, मतलब रिएक्शन, मतलब पहले लर्न करके लिख लिया, फिर आप लोग लिख रहे हो तो कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग वहाँ पे देखोगे, यदि एक भी मिस्टेक है तो आप लोग वो रिएक्शन रिवाइज करोगे फिर से. और मानो सेकंड टाइम में आप लोगों का विदाउट एनी करेक्शन आ रहा है, तो थर्ड टाइम बिना देखे आप लोगों ने रिएक्शन लिखनी है. यदि थर्ड टाइम में नहीं हो रहा है तो एक और टाइम बढ़ा दीजिए. तो इस तरह से रिएक्शन लिखनी है. पहले यदि आप लोगों ने ये दोनों रिएक्शन कर लिए, दो टॉपिक कर लिए, तो फिर से आप फर्स्ट रिएक्शन पे जाइए, मेमोराइज करिए, मतलब याद आ रहा है नहीं आ रहा है. रिकॉलिंग इज मस्ट, रिकॉलिंग बहुत ज़रूरी है, रिएक्शंस का रिकॉलिंग होना बहुत ज़रूरी है. मानो थर्ड फोर्थ में आ गए तो आप पहले से फिर से पहले वाला रिवाइज करिए. एक दिन एक ही क्लास में तो सारे रिएक्शन नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करो. ठीक है, सो इस तरह से राइटिंग करते हो, सिर्फ पढ़ लोगे या वीडियो देखोगे या फिर आप ऐसे क्लास कर लेते हो, अटेंड करते हो, तो उस टाइम में तो समझ में आता है, बट इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तो राइटिंग प्रैक्टिस ही आप लोगों को करनी है. सो राइटिंग 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 इज द ओनली सॉल्यूशन टू रिमेंबर होल रिएक्शंस या होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, सो एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस मैंने बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स बोले आप लोगों को करने के लिए, तो वो भी करना है. मैक्सिमम तो मैंने यहाँ कवर कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसमें हमारा स्टार्टिंग में एलिफेटिक का आ रहा है, फिर बीच में मिक्स हो रहा है, मिक्स एग्जाम्पल आ रहे हैं, बट मिक्स एग्जाम्पल में भी सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, जितने भी आप लोगों को गिवन रहेंगे उसी में से पूछे जाएंगे, तो उतने ही आप लोगों को नहीं करने. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन उसमें रहेगा फर्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल स्टेट. ठीक है, दूसरा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, थर्ड रहेगा रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी. ठीक है, और फोर्थ रहेगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस. ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस लिख देती हूँ, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन भी आप लिख सकते हो, इंटरैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, सो देखिए फिजिकल स्टेट में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है मेनली एल्डिहाइड कीटोन में, काफ़ी जगह हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसीटोन या हायर एल्डिहाइड. सो इसमें देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड ऑल दो बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर है एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, बट फॉर्मेल्डिहाइड अलग वे से रिएक्ट होता है, अलग होता है, और एसिटाल्डिहाइड समवॉट थोड़ा सा अलग वे से बिहेव करता है. सो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, इट्स अ गैस एट रूम टेम्परेचर. फॉर्मेल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर, यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, ये गैसीय स्टेट में होता है. फॉर्मेल्डिहाइड इज एग्जिस्ट एज अ गैस, इज अ गैस, इज गैस, इस गैस को कहते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज हैविंग समवॉट इरिटेटिंग स्मेल या ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं इरिटेटिंग स्मेल या ऑर्डर. ठीक है, सो इट इज हैविंग इरिटेटिंग ऑर्डर फॉर्मेल्डिहाइड. देन एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, वही हमारा एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल गैस, एसिटाल्डिहाइड इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल मतलब वो भी गैसीय स्टेट में रहेगा, बट ये भी कैसा रहेगा, एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली ओलाटाइन, ओलाटाइन ठीक है, एक्सट्रीमली ओलाटाइन रहेगा, कलरलेस लिक्विड, एक्सट्रीमली ओलाटाइन बट कलरलेस लिक्विड इट इज, कलरलेस लिक्विड एसिटाल्डिहाइड इज. सो फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर विद इरिटेटिंग ऑडर, वाइल एसिटाल्डिहाइड ये एक्सट्रीमली ओलाटाइन होता है और कलरलेस लिक्विड होता है. ओलाटाइन मतलब जल्दी वैनिश हो जाता है, जल्दी ऑपरेट हो जाता है. वही हायर एल्डिहाइड जो होते हैं ना उनकी ऑर्डर कैसे होती है, प्लीजेंट ऑर्डर रहती है. ठीक है, दे आर हैविंग प्लीजेंट ऑर्डर. और वही उसी में नेक्स्ट मतलब एल्डिहाइड की होते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यदि एसीटोन देखते हो तो एसीटोन आप सभी ने देखा है, इट इज हैविंग प्लीजेंट ऑर्डर एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, वही हायर एल्डिहाइड का मेंबर तो हायर कीटोनिक मेंबर का जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है, तो अलग होता है, मे बी समवॉट इरिटेटिंग या डिपेंड करता है. ठीक है, बट एसीटोन क्या होता है, मेनली प्लीजेंट होता है जो आप लोग नेल पेंट रिमोर्स में यूज करते हो. ठीक है ना, या इन जनरल पेंट रिमोर में ये यूज होता है. सो एसीटोन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एसीटोन इज लिक्विड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इन जनरल लिक्विड ही होता है. और क्या हो जाएगा, ये भी होता है लिक्विड होता है. And this is having more pleasant odor, pleasant odor. So this is about related to what state, कि वो कैसे, how they exist, ये कैसे exist होते हैं. Are you getting that? So देखिए क्या हो जाएगा, physical state में formaldehyde का अलग लिखना है. Formaldehyde is a gas at room temperature, it is having irritating odor. Benzaldehyde मैंने लिखा नहीं है, बट आप लोग वो भी डाल सकते हो. Benzaldehyde में, benzaldehyde having bitter almond like taste, it is exist as a solid. ठीक है, बट आपके बुक में मेनली फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड, एसीटोन जितना गिवन है वही हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखते हैं या पढ़ते हैं. आपको डायरेक्शन भी डाल सकते हो. एसीटाल्डिहाइड इज एक्सट्रीमली ओलाटाइल लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होता है. देन एसीटोन कैसे होता है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट इट इज हैविंग प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका. ठीक है ना, देन फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज एज अ फॉर्मलिन विच इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमन. सो 40% एक्वस, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मतलब यहाँ पे 40% मतलब आप लोगों ने सॉल्यूशन क्वालिटी पढ़ा है. सो 40 grams ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बाय वेट लेते हो और क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वाटर. तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, रिमेनिंग मतलब 60 ml वाटर रहेगा उसमें. तो क्या होगा, 40 + 60 मतलब ये क्वाइट एक्वस सॉल्यूशन बन गया. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड या 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन. सो फॉर्मेलिन, व्हाट इज फॉर्मेलिन, इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% formaldehyde, aqueous solution of formaldehyde is known as formalin and it is used for preservation of biological specimen. Biochemical lab में ये ज़्यादातर specimen preserve करने के लिए use होता है. ठीक है, then next related to boiling point यदि पढ़ते हैं तो boiling point क्या होगा, they are having higher boiling point या their boiling point obvious है, aldehyde में भी their boiling point increases with increasing their molar mass. ठीक है ना, पहला हमारा acetaldehyde है, नेक्स्ट क्या हमारा प्रोपेनल, प्रोपेनल्डिहाइड, बिटरल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड, C5 हायर मेंबर के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली कौन सा आएगा, पेंटेनल का ज्यादा आएगा, देन ब्यूटेनल, देन किसका, इथेनल वाला. सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द मोलर मास इन केस ऑफ एल्डिहाइड. सिमिलरली इन केस ऑफ बीटर ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द मोलर मास. सो इन जनरल वी कैन से दैट कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, increases with increasing their molar mass, with increasing their molar mass. उनका molar mass यदि बढ़ता है, molecular weight यदि बढ़ेगा तो उनका boiling point obviously बढ़ेगा. ठीक है ना, boiling point बढ़ेगा. So C5 वाले member का ज़्यादा रहेगा than C4, C3 वाला. Similarly in case of ketone also, ketone में भी वैसे रहेगा, hexanol का ज़्यादा रहेगा than pentanol. Then उसमें ये भी आएगा depending upon position आप लोग name कर सकते हो. तो इस तरह से होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इन केस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग देयर मोलर मास. बहुत सिंपल है वो पॉइंट. नेक्स्ट वाला पॉइंट नेक्स्ट है हमारा सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी में क्या होगा, लोअर मेंबर्स दे आर सोल्युबल इन वाटर. सोल्युबिलिटी, लोअर मेंबर्स आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी, लोअर मेंबर्स मोस्टली सोल्युबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, इंजनर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के लिए C double bond वही लिखते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, HOH. ठीक है, सिंपली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ये इन टर्न्स फॉर्म करेगा. सो इस तरह से ये लोअर मेंबर्स, बट लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स दे फॉर्म, दे आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. बट एज यू गो हायर या उनका मोलर मास यदि बढ़ता है, सो ये नंबर ऑफ व्हाट हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस या टेंडेंसी टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस
इन केस ऑफ हायर मेंबर, ठीक है ना। सोल्युबिलिटी में आप लोगों ने ये ऐसा नहीं लिखना इन चंदर की दे आर हैविंग हायर सोल्युबिलिटी या जो भी है। सो सोल्युबिलिटी लोअर मेंबर्स ऑफ एडिएट्स एंड कीटोन, मोस्टली एडिएट के होते हैं, सो लोअर मेंबर्स ऑफ एडिएट्स एंड कीटोन दे आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट एज द मोलर मास इंक्रीजेस या इन केस ऑफ हायर मेंबर्स व्हाट हैपन, यहाँ पे आपका मोलर मास किसका बढ़ रहा है, अल्काइल ग्रुप का बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द हाइड्रोकार्बन पार्ट ओवर हियर, मिथाइल मिथाइल ये आएगा, सो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड वो धीरे धीरे विद वाटर मॉलिक्यूल वो डिक्रीज हो जाता है, दैट बिकॉज ऑफ दैट सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द मोलर मास, ठीक है। सो सोल्युबिलिटी इन जनरल लोअर मेंबर ही सोल्युबल होते हैं, हायर मेंबर सोल्युबल नहीं होते बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द हाइड्रोकार्बन पार्ट उनका इंक्रीज होता है, दैट्स वाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है और दैट्स वाई द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ हायर मेंबर। देन लास्ट पॉइंट है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना, ये कैसे होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये कैसे होता है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये होता है पोलर ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और दिस इज द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन रहेगा, ये वन कार्बोनिल कंपाउंड है, एक कार्बोनिल कंपाउंड ये दूसरे से यदि जुड़ा है दूसरे इसके विसिनिटी में, तो ये इस तरह से रहेगा। सो देयर इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये ऑक्सीजन ये इस तरह से बॉन्ड में जा सकता है या इस तरह से ये बाजू वाला मॉलिक्यूल एस एस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एग्जिस्ट रहेंगे या प्रेजेंट रहेंगे। सो देयर इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब इसका पॉजिटिव एंड यहाँ आ रहा है तो इस साइड इसका नेगेटिव एंड आएगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव एंड है तो इस साइड इसका कार्बन पॉजिटिव वाला एंड आएगा, कार्बन में तैयार पॉजिटिव चार्ज। सो दिस बॉन्ड इज पोलर एंड देयर इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देयर इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यू कैन से। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन में हम लोगों ने देखा है फिजिकल स्टेट, देन नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने सोल्युबिलिटी और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन। ये बॉन्ड सिंस दिस बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर, ये ग्रुप होता है पोलर, सो देयर इज पोलैरिटी में एग्जिस्ट ऑन कार्बन, कार्बन कैरीज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बोनिल का एक मॉलिक्यूल है वो एडजेसेंट कार्बोनिल मॉलिक्यूल से इस तरह से रहेगा, जुड़ा रहेगा, सो इस तरह से उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा, नेगेटिव एंड और इस साइड पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड टू इसका नेगेटिव एंड, इस साइड ये आजू बाजू रहते हैं। सो देयर इज अ डाइपोल डाइपोल टाइप ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और यही पोलर नेचर हम लोग आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसका रहेगा इफेक्ट ऑफ व्हाट सम ग्रुप अल्काइल ग्रुप या फिर हम लोग व्हाट हैपन दिस हाउ दिस अंडरगोस व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या कार्बोनिल कंपाउंड हाउ दे अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन।